गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स के नायक में। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, जिसपे कुछ क्वेश्चन हमने समझाए आपको और बेहद आपको पसंद भी आए होंगे। आज हम उसी पे कुछ और क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो पर्टिकुलर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनको हमें कैसे करना है। ज़्यादा कोई लेंथी मेथड नहीं हम यूज़ करेंगे, सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे। और ऐसे फॉर्मूले भी मैं आपको नहीं बताने वाला जो कि आपको याद करना पड़े। इन्हें आप मान के चलिए, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, समय भी ज़्यादा नहीं लगाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है, वो सिर्फ आपका माइंड का खेल है। थोड़ा सा समझना है और आपका आंसर आजन है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैंने लैंग्वेज क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया वो चीजें मैंने समझाने की, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है। यहां क्या कह रहा क्वेश्चन देखो कि टॉय प्लस बॉल, यानी दो आइटम यहां परचे वो बेचे गए हैं। एक तो खेलो टॉय है और एक है बॉल, प्रत्येक को 6000 रुपए में सेलिंग प्राइस में बेचा गया। यानी प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है, एसपी का मतलब यहां सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया बेचना, यानी विक्रय मूल्य प्रत्येक का कितना है, 6000 रुपए है। उसके बाद खिलौने यानी टॉय के ऊपर 25% का प्रॉफिट होता है एंड बॉल के ऊपर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं पता, जो हमें क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, ये फाइंड आउट करना है। नीचे क्या लैंग्वेज लिखी, सो दैट इन द प्रोसेस, यानी शो दैट इन द प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस में ही नेवर गेन नाइदर, इसमें कुछ ना बढ़ रहा है ना कुछ घट रहा है, ये क्वेश्चन का मैटर था, मैंने लिख दिया। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, यानी आपको सबसे पहले देखना होगा कि 25% जो प्रॉफिट हो रहा है, और जो प्रॉफिट या लॉस मैंने स्टार्ट में आपको बताया हमेशा किसके ऊपर होता है, जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले गए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही मानेंगे। तो आप देख रहे हो यहां पर कि जो अपना 25% प्रॉफिट है ये किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे हुआ। यानी मैंने स्टार्ट में चीजें सिखा रखी है, 25 बटे कितना आ गया, 100 आ गया, कितना आ गया 25 बटे 100। तो 25 रुपए क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, ये 100 क्या हो गया, सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया। तो सबसे पहले क्या करें, आपको करने का तरीका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हमें टॉय के बारे में दे रखा, तो ये टॉय लिख लीजिए। तो टॉय का जो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, कितना है, 100 रुपए है। तो प्रॉफिट हो रहा 25% का, यानी तो कितना हो गया, 125 हो गया। अब देखो यहां पर उसके बाद में क्या रहता है, बॉल। अब बॉल के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है। अब बॉल का क्रय मूल्य अपने को नहीं पता, कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस भी अपने को नहीं पता, लेकिन आप देखो इसके अंदर कि जो टॉय है उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 125 रुपए है। और यहां पर प्रश्न में सबसे पहले ऊपर क्या बोला गया कि सेलिंग प्राइस वो दोनों का समान है, यानी ईच यानी प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचा गया, यानी यहां पर भी सेलिंग प्राइस समान होगा, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहां पर भी क्या लिखूंगा मैं, 125 ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों आइटम का क्या है, समान है, ऊपर भी समान है तो यहां पर भी समान होगा। अब देखो तो अगर सेलिंग प्राइस को एड करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर 250, कितना हो गया 250। अब यहां पर क्रय मूल्य की बात होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा एक लाइन और कि सो दैट इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में द ही नेवर गेन नाइदर, कुछ ना तो कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटेगा, यानी क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य वो समान रहेंगे। तो अगर इसका एसपी 250 है तो इसका क्रय मूल्य भी कितना होगा, 250 ही होगा। अब देखो टोटल कितना आ रहा है इन दोनों का, 250, लेकिन यहां पर क्वेश्चन हमारा कुछ नहीं है, तो 100 ये रहा, बाकी कितना बचेगा, 150। यानी बॉल का जो क्रय मूल्य है, बॉल का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 150 रुपए आ गया। अब बाद में कितना हो जाए सेलिंग प्राइस, 125, तो पहले 150 था, बाद में 125 कुछ कमी आ रही है, 25 की कमी आ रही है। यानी आप देखोगे इस प्रोसेस के अंदर 25 रुपए कम हो रहे हैं, किस में से कम हो रहे हैं, 150 में से कम हो रहे हैं। इंटू में अगर 100 लगा दो तो परसेंटेज में अपना आंसर निकल कर आ जाएगा, 16 समथिंग कुछ आंसर आपका निकल कर आ जाएगा परसेंटेज में, लगभग जो भी निकले निकाल लेना। तो यहां प्रश्न को समझने की बात है कि सबसे पहले यहां आप देखो 6000 रुपए दिया हुआ, तो हम कहीं ना कहीं इसका यूज ही नहीं किया, कहीं पे भी ये दिमाग में रहता है कि ये हमने डिजिट अकाउंट क्यों नहीं की। लेकिन यहां पर आप देखोगे सबसे पहले कि कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस पे बात हो रही है, अगर टॉय का 100 रुपए है तो 125 रुपए हो गया प्रॉफिट के साथ में सेलिंग प्राइस, दैट्स इट। बॉल का क्रय मूल्य नहीं पता ना सेलिंग प्राइस है, लेकिन यहां पर ऊपर बोला गया है ईच, प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है वो समान है, तो यहां पर भी सेलिंग प्राइस है वो समान रहेगा, दोनों को ऐड करूं तो 250 सेलिंग प्राइस टोटल हो गया दोनों का, दोनों का क्रय मूल्य भी समान होगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य समान होगा, क्यों,
सो दैट इन द प्रोसेस ही नेवर गेन नाइदर इस लैंग्वेज का कोडिंग। तो यहां पर जो बचा 150 में से सेलिंग प्राइस कितना है 125, यानी 25 का घाटा हो गया। किसमें से हुआ 150 में से इनटू में 100, यानी 16 समथिंग परसेंटेज जो भी होगा वो आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। तो ये देखिए इस तरह से प्रश्न को करना है और ये प्रश्न आपके 100% आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, साथ साथ नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको बताने वाला हूं, चलिए उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन 6 में बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है। देखो सबसे पहले ऊपर टॉय और बोल दो आइटम को बेचा 6000 रुपए प्रत्येक का सेलिंग प्राइस समान है। यहां पर टॉय के ऊपर 35% का प्रॉफिट हो रहा है, बॉल के ऊपर प्रॉफिट या लॉस हमें फाइंड आउट करना है। ये नीचे वाले सो दैट इन द प्रोसेस ही गेन 12 से 1/2% प्रॉफिट हो रहा है, ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है। और यहां पर पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं हो रहा था, ना प्रॉफिट हो रहा था ना कुछ लॉस हो रहा था। चलिए अगर करें उसी तरीके से करेंगे तो कॉस्ट प्राइस और एक तरफ हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सबसे पहले अगर हम टॉय की बात करें तो टॉय का कॉस्ट प्राइस कितना है नहीं पता। देखो यहां पर प्रॉफिट दे रखा है 35/100 हम लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो ये आपका सीपी हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो सीपी कितना है 100 रुपए, इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 35% का, तो 35 ऐड और होंगे तो ये आगे 100, सेलिंग प्राइस 135 में बेचेगा। यहां पर आप अगर बात करें हम बॉल की, तो देखो बॉल का क्रय मूल्य नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस 135 है तो उसका भी 135 रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ईच प्रत्येक का सेलिंग प्राइस समान था, तो यहां पर भी समान होने वाला है, तो यहां पर भी 135 में नोट करूंगा। तो अब देखो टोटल कितना एसपी आ गया, 10, 6, 7, 270 आ गया। कितना आ गया 270। पिछले क्वेश्चन में ये जो डिजिट थी मैंने सेम लिखी, क्यों? क्योंकि इस लाइन में ना तो कुछ प्रॉफिट हो रहा था ना कुछ लॉस हो रहा था, ऐसा कुछ था, लेकिन अब की बार प्रॉफिट बोला गया है तो हमें यहां पे चाहिए टोटल क्रय मूल्य। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखो 12.5% को अगर आप सोल्व करोगे तो बनता है 1/8। कितना बनता है 1/8 बनता है। यहां पर एक तरफ आप कॉस्ट प्राइस लिखोगे, एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखोगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 8, क्योंकि प्रॉफिट और मैंने आपको बताया जो लॉस है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, बार बार बता रहा हूं ध्यान रखना। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 8 रुपए है, अगर 1 रुपए प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9 रुपए हो गया। लेकिन अब टोटल सेलिंग प्राइस कितने 270 है, तो ये लिखा मैंने 270। यहां पर टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं पता, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन आप देखोगे ये इसका कितना गुना 9, 3, 27, 30 गुना है, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा 30 गुना हो जाएगा, 8, 3, 24, 240 हो गया। तो आपके पास यहां पर क्या आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, मैं ये नोट करूंगा 240 यहां पर टोटल का कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब देखो ये 100 और यहां पर कोई डिजिट थी, टोटल 240 है, ऊपर कितना बच गया देखो 240 में 100 आप माइनस करो तो 140 बचता है। कितना बचता है 140 बचता है। अब आप बताओ कि बॉल पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस, कि बॉल का जो क्रय मूल्य है वो 140 रुपए है, उसके बाद बेचेगा 135 में, यानी 5 रुपए किसको लॉस हो रहा है, तो स्पष्ट पता है अपने को हानि हो रही है। तो क्या लिखो, करने का तरीका सिंपल सा ही है, तो 5 अपॉन में कितना है 140 इंटू में 100, तो आपका यहां पर जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाना है, यानी लॉस होगा इसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यानी इसमें करने का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ समझना है। मैंने आपको बताया था देखो कितना आसान है, सिर्फ एक एक स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को आपको बता रहा हूं, और एक बार आप खुद जब ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को समझना काफी अच्छा क्वेश्चन है, कि एक दुकानदार अपने लाभ की जो गणना है वो विक्रय मूल्य पर करता है। अब स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट के जो काउंट करता है वो किस पे करता है, एसपीपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के ऊपर करता है। तो यदि वह 10% लाभ प्राप्त करता है तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। पहले स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है कि भाई लाभ तो उसको बताया होगा कि 10% है कि 10% है, फिर वास्तविक लाभ कौन सा होगा। हमेशा ध्यान रखना वास्तविक लाभ वही होता है जो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, ठीक है। ये बात विशेष का ध्यान रखना, क्योंकि अभी आपको यहां पर जो लाभ की गणना बताई गई है 10% लाभ प्राप्त हुई है, उसे विक्रय मूल्य के ऊपर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम इसे क्रय मूल्य पर जब निकालेंगे वो होगा उसका रियल बेनिफिट। चलिए कैसे निकालते हैं, तो यहां पर हमें प्रॉफिट दे रखा है, वो कितना दे रखा है 10% प्रॉफिट दे रखा है। तो 10% प्रॉफिट का मतलब ये हो गया 10/100 यानी कितना आ गया 1/10। तो ये अब की बार क्या आ गया, पहले मैं इसको कॉस्ट प्राइस मानता था, लेकिन अब की बार जो लाभ की गणना है वो किस पे कर रहा है एसपी पे, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया, अब हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ठीक है।
सेलिंग प्राइस कितना है अभी? 10 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1 रुपए कम हो जाएगा, क्योंकि बढ़ रहा है 10 हो रहा था, 1 रुपए कम हो जाएगा, ये हो गया 9। यानी 9 रुपए था कॉस्ट प्राइस, तब 10 हो गया सेलिंग प्राइस। अब कितना परसेंट बढ़ा, यही तो अपने को फाइंड आउट करना है। यानी कितने का डिफरेंस आया? 1 का डिफरेंस आया। किसमें से फाइंड आउट करना है? वास्तविक यानी क्रय मूल्य से 9 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 11.11 समथिंग कुछ परसेंटेज क्या आ गया, ये आपका रियल प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से प्रश्नों को करना है, यानी उलझना नहीं है प्रश्न के अंदर, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है ना बड़ी कंफ्यूज करती है कई बार। तो कई स्टूडेंट ऐसे भी मिलेंगे कि वो देखेंगे अगर ऑप्शन में 10% अगर दिया होगा ना तो वो इसको ही लिख के आ जाएंगे, वो सोचेंगे भी लाभ तो निकला हुआ है, अब किस पे लाभ निकालना है। तो दिमाग में रखना कि जो लाभ है वास्तविक लाभ हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक स्कूटर को 8,000 रुपए में बेचने से 25% लाभ होता है। कोई स्कूटर को 8,000 रुपए में बेचेगा, सेलिंग प्राइस 8,000 रुपए, 25% का लाभ उठाता है, तो बताओ कि उसकी लागत मूल्य कितना है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, अगर मैं सबसे पहले मान लूं कि लागत मूल्य, अगर आप देखोगे, अगर मैं लागत जो मूल्य है वो मान लेता हूं कितना, 100 रुपए मान लेता हूं, कितना मान लू 100 रुपए। अब 100 रुपए में कितना परसेंट लाभ हुआ? 25% लाभ हुआ, तो जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 25% हुआ, यानी टोटल कितनी अमाउंट आ गई? 125 रुपए आ गई। 100 रुपए 25% का मतलब होता है 125 रुपए लाभ टोटल, यानी 125 रुपए टोटल रकम है, तो लागत कितनी है? 100 रुपए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 125 रुपए है अपने पास, तो लागत कितनी है अभी? 100 रुपए जो सपोज की है, तो अगर 1 रुपए टोटल रकम माने तो कितनी होगी लागत? 100/125, यही बात है। यानी 125 रुपए में बेचेगा तो लागत मूल्य 100 रुपए था, जब 1 में बेचेगा तो ये था, बेच कितने में रहे? 8,000 रुपए में, तो 8,000 रुपए में कितना आ गया इंटू में 8,000, जब इसको सोल्व करोगे तो 6,400 रुपए आपका लागत मूल्य निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नों को सोल्व करना है, यानी आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड रखना होगा क्वेश्चन करते वक्त, और बस थोड़ा सा समझ में लेके आना होगा क्वेश्चन कैसे अपने को करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, 4 क्वेश्चन ये मैंने आपको समझाए। इसी तरह मैं आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चंस समझाता रहूंगा, और आप बने रहें, और कहीं क्वेश्चन कोई दिक्कत है किसी के अंदर क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो जो एक स्टडी का चैनल है, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहें, और एक नया चैनल है जो आप जानते हो अच्छे से, उसको भी लाइक और शेयर करते रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।